हेलो दोस्तों आज के सोशल मीडिया के जमाने में फेसबुक हमारी एक सोशल आइडेंटिटी है पे हमारी एक पहचान है पर इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जैसे आ, कुछ लोग मल्टीपल फेसबुक अकाउंट रखते हैं अपने तो और उनका जब भी फेसबुक अकाउंट यूजेज में नहीं आता और वो कोई ए, पढ़ा रहता है और वो डिलीट करना चाहते हैं किसी भी रीजन से, रीजन से से अपने पर्सनल या फिर आ, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे इस रीजन से तो उसको डिलीट कैसे करें तो आज हम देखेंगे कि फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट करें और उसको डिएक्टिवेट यदि करना चाहे तो वो कैसे करे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें एड्रेस बार में जाके एप टाइप करना होगा फेसबुक सर्च करना होगा जैसे ही हम फेसबुक सर्च करते हैं यहाँ पे फेसबुक लॉगिन हो जाएगा और जैसे ही फेसबुक लॉगिन होता है हमें अकाउंट पे जाके क्लिक करना होगा और सेटिंग एंड प्राइवेसी सिलेक्ट करना होगा जैसे हम सेटिंग एंड प्राइवेसी सिलेक्ट करेंगे इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा सेटिंग इस मेन्यू में सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे सेटिंग का विंडो ओपन हो जाएगा तो इसमें जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आता है योवर फेसबुक इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक करके हम उस मेन्यू तक पहुंच जाएंगे जहां से अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं डीएक्टिवेट क्या होता है कि जब हम किसी अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट करते हैं यानी कुछ दिन तक उसको यूज नहीं करते हैं तो वो डीएक्टिवेट कर सकते हैं और परमानेंट डिलीट का मतलब है हमारा फेसबुक का डाटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा अब मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूं इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट तो यदि मेरे को डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करके मेरे को कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन प्रोसीड करना होगा और यदि मेरे को डिलीट करना है परमानेंटली तो मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करूंगा अब मैं आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करू करके बता रहा हूँ अब इसमें ये चार ऑप्शन आते हैं कि डीएक्टिवेट अकाउंट आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आपके फेसबुक की है वो डाउनलोड करके रखना है ट्रांसफर करना है कहीं ये इन्फॉर्मेशन तो वो ट्रांसफर कर सकते हो या फिर यदि आपको ये सब कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है और पूरा का पूरा डाटा डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे हम नीचे और यहाँ पे जैसे ही हमारा ये अकाउंट कन्फर्म दिस इज योर अकाउंट तो ये कन्फर्म करने के लिए क्या मांगता है कि ये पासवर्ड मांगता है तो जैसे हम पासवर्ड डाल के इसको कंटिन्यू करेंगे ये अकाउंट कंफर्म परमानेंट डिलीशन अब जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला ये इसको कंफर्म हो गया कि ये मेरा ही अकाउंट था और अब इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ से अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये Uh, मेरा फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अब ये क्या बोलता है एक ऑप्शन और आता है योर अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर परमानेंट डिलीशन इफ यू लॉग इन इन फेसबुक विद द नेक्स्ट दर्टी डेज यू विल हैव ऑप्शन टू कैंसिल द डिलीशन एंड रिटीव एनी ऑफ द कंटेंट और इन्फॉर्मेशन यानी आप अगले तीस दिन तक इसमें यदि लॉग इन करके अपने डिलीशन को कैंसिल कर सकते हो और यदि अगले तीस दिन तक आप इस फेसबुक अकाउंट को लॉग नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा उसके बाद आप ये डेटा रिट्रीव नहीं कर पाओगे और जैसे ही मैंने डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करा ये लॉग ऑफ हो गया और डिलीट uh, के लिए सबमिट uh, हो चुका है अब यहाँ से यदि हमें दोबारा से इसी अकाउंट को देखना है अगले तीस दिन तक तो लॉग इन दोबारा से आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करके देख सकते हैं और इसको डिलीशन को कैंसिल कर सकते हैं अदरवाइज ये तीस दिन में डिलीट हो जाएगा ऐसे ही और मजेदार फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले